नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉरेन न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ अंशु। सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के एक सीजर को लेकर स्थानीय लोग सड़कों पर उतर गए। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर नौगढ़ ककर हवा मार्ग पर धरना दे दिया, जिससे घंटों लंबा जाम लग गया। देखिए पूरी खबर। करीब एक घंटे के सड़क पर प्रदर्शन करने के बाद लोगों के मनाने पर ग्रामीण कलेक्ट्रेट ऑफिस गए और वहां धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि बीओपी अलीव गढ़वा पर तैनात एसएसबी ने उनके गांव नोनाहवा के पूर्व प्रधान हरीश चंद्र को साजिश के तहत मादक पदार्थ की तस्करी में गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हरीश चंद्र अपने विद्यालय से कल शाम वापस आ रहे थे। एसएसबी के जवानों ने उनके मोटरसाइकिल रोककर उन्हें उतारा और उनके पैच और उनको साथ ले गए। बाद में पता चला कि उनके पास से मादक पदार्थ की बरामदगी कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। धरना देने आए लोगों का कहना है कि हरीश चंद्र एक सम्मानित और सामाजिक व्यक्ति हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। एसएसबी के जवान जरूर किसी साजिश के तहत उन्हें फंसा रहे हैं। ग्रामीणों ने उनकी रिहाई के मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया। वहीं इस मामले में एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट अमित सिंह ने कहा कि अफीम की तस्करी और कुछ लोगों की संलिप्तता की जानकारी उनके विभाग को कई महीनों से मिल रही थी। कल शाम सूचना के आधार पर एसएसबी के जवानों ने घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा जो मोटरसाइकिल से जा रहा था। तलाशी में उसकी डिग्गी से 30 ग्राम से ज्यादा अफीम मिली। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर माल के साथ आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। इकट्ठा हुआ पूरा मामला क्या है, क्यों आपने कहा? बैठपुर नंबर 6 के निवासी हरिचंद जी, जो बुद्ध विद्यापीठ इंटर कॉलेज बैठपुर में नौकरी करते हैं, रोज की भांति वो अपने ड्यूटी करके वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे। वहाँ एसएसबी के कुछ जवानों ने उनको पकड़ा उठाया और कुछ देर बाद वहाँ से सूचना मिली कि उनको मादक पदार्थ रखने के साजिशन मादक पदार्थ रखने के आरोप में उनको बंद कर दिया गया। जो वो क्षेत्र के काफ़ी सम्मानित आदमी है, ये सारी भीड़ उनकी लोकप्रियता से उनके व्यवहार के नाते उनके निर्दोष की गवाही देते हुए सब उनके रिहा करने की मांग कर रहे हैं और आप सभी के माध्यम से हरिचंद प्रधान निर्दोष है। एसएसबी ने एक सीजर कल किया था, एक व्यक्ति को पकड़ा है, उसको लेकर के काफी लोग हंगामा कर रहे हैं, सर पूरा मामला क्या है? एक्चुअली हमारे पास कल इन्फॉर्मेशन थी, काफी दिन से इन्फॉर्मेशन थी, कल हमने उसको एग्जीक्यूट कर लिया था और वो सफल भी रहा था कि इस इलाके से अफीम काफी दिन से आता जाता रहा है और कल हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और हमने एक व्यक्ति को पकड़ा था और पकड़ के पुलिस को हवाले कर दिया था और फर्दर जो कार्रवाई करनी है पुलिस की तरफ से होनी है। वो कौन व्यक्ति थे और किस तरह से उनको एसएसबी ने पकड़ा? पूछताछ से पता चला उन्होंने अपना नाम हरीश चंद्र बताया और वही हमने नाका लगाया हुआ था, नाके पे ये पहुंचे थे और खबर ये थी कि एक और आदमी इनके साथ था तूफानी, जो मौके से पहले वो भाग गया था और मौके पर इनकी गाड़ी से वो 39.12 ग्राम चरस अफीम बरामद हुआ और उसको हमने सीज करके पुलिस के हैंडओवर कर दिया। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।